हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज फाइनली थर्ड डे जाके बारिश थोड़ी कम हुई है, तो हमने सोचा जो नैनीताल के आसपास के प्लेसेस हैं उनको विजिट किया जाए। कल हमारे कुछ प्लेसेस रह गए थे नैनीताल के साइट सीइंग के, तो अभी पहले हम उनको कवर करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग नैनीताल के जो बाहर में प्लेसेस हैं उनको कवर करेंगे। सो अभी हम कहाँ जाएंगे? पहले हम चलेंगे केव गार्डन। केव गार्डन, तो अभी हम सबसे पहले केव गार्डन जा रहे हैं, फिर जैसे जैसे हम जो जो प्लेसेस कवर करते जाएंगे आपको व्लॉग में आगे बताते जाएंगे। बट आज भी मौसम देख के ऐसा ही लग रहा है कि बादल पूरे छाए हुए हैं, तो पूरे दिन बारिश होने वाली है। बट अभी बिल्कुल कम बारिश है, एकदम ड्रिजलिंग हो रही है, तो हम लोग निकल गए सुबह सुबह ही घूमने के लिए। सो आपसे मुलाकात होगी केव गार्डन में। हम आ गए हैं केव पार्क में, और केव पार्क की जो टिकट है वो है 100 रुपीस फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड फ्रॉम 5 to 10 ईयर 60 रुपीज़। तो चलिए अंदर चलते हैं। बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा स्लिपरी है, तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। ऊपर धावन रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। सो अभी हम लोग जो हैं केव के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैप है। सो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो जा रहे हैं टाइगर केव। सो माई बेबी इज enjoying सो मच। ये है हमारा टाइगर केव, अभी हम जहाँ जा रहे हैं आपको दिखाते हैं अंदर केव कैसे। ये बड़े बड़े केव्स हैं, तो इसमें आप आराम से आ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मल डेज में भी आएंगे तो आपको यहाँ पे पानी जो है वो देखने को मिल सकता है। अंदर अगर चले हम लोग, यहां से निकलना पड़ेगा। कैमरा ले लिया मैंने। ये बड़े केव्स थे तो इनसे निकलना थोड़ा इजी है। आगे और जो केव्स हैं वो थोड़े इनसे छोटे हैं, संकरे रास्ते हैं नेहरू, बट ये ठीक था। बहुत केयरफुली आपको इस पर चलना पड़ता है। अगर आपको और केव जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये पैंथर केव का रास्ता है, अभी फ़िलहाल हम पैंथर केव में नहीं चलेंगे, एग्जिट लेते हैं। यहाँ पे आपको ये सारे केव देखने को मिल जाएंगे, टाइगर केव, पैंथर केव, जो कि इस साइड है जहाँ पे एरो दिया हुआ है। ये दोनों स्पेशली बड़े केव हैं, और बाकी ये पॉर्क्यूपाइन, बैट, फ्लाइंग फॉक्स, ये छोटे छोटे केव हैं जो कि इस साइड है, और हम लोग अब वहीं पे जा रहे हैं। सो यहाँ पे एक और अट्रैक्शन है जो कि है एयर साइकिलिंग। ये यहाँ पे एयर साइकिलिंग होती है। इसके प्राइस दिए हुए नहीं है, कहीं है प्राइस? नहीं, वो पूछने पे पता चलेगा, फिलहाल ये अभी बंद है। आओ यार, ये पॉर्क्यूपाइन केव। आ जाओ भाई, आ जाओ बस। मैं तो नहीं जा रही हूँ भाई। अरे भाई आ जाओ। नैनीताल मैप है ये, एंड ये चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया है। अभी तो बहुत गीला है, तो बेबी को मैं यहाँ छोड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन ये अच्छा है। पॉर्क्यूपाइन केव का जो आपने एंट्री देखा था पहले, वो वहाँ से घुसेंगे और यहाँ से निकलेंगे। ये एग्जिट है। ये फ्लाइंग फॉक्स केव का एंट्री है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है एंट्री। दिस इज फ्लाइंग फॉक्स केव। यहाँ से आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से अंदर जा सकते हैं, और अंदर जो है आपको जाएंगे तो ये एप्स केव नजर आएगा, तो आप यहाँ से एप्स केव भी ले सकते हैं, और फिर वहाँ से एग्जिट होगा। अभी क्योंकि बेबी हमारे साथ है तो हम अंदर जा नहीं सकते हैं, और ऊपर से पानी टपक रहा है, तो हम यहीं से एग्जिट लेंगे। यहाँ से आपको जो अभी अंदर जा रहे हैं
ये मैं बैग की मैं आपको थोड़ा आगे से दिखाती हूँ। ये काफी ऐसे गुफा जैसा है। ये है बैग की ये क्या है? एक केव, एक कैंटीन है। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ से खा सकते हैं। लगभग अब हमारा सारा घूमना हो चुका है, सो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे मेरे को एक स्पॉट दिखा जहाँ से ऐसा कुछ व्यू आ रहा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हैं। तो बारिश हो रही है तेज और यहाँ से एग्जिट है, सो हम लोग अब निकल गए। सो केव में बहुत मजा आया एंड आफ्टर एंजॉयिंग द केव, लास्ट में थोड़ी बारिश तेज हो गई थी इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी फटफट बाहर आ गए, वरना हम और थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड करते। सो आफ्टर केव अब हम लोग जा रहे हैं खुरपाताल लेक व्यू, तो वहाँ पे हम आपको खुरपाताल दिखाएंगे और वहाँ का जो व्यू है वो दिखाएंगे। एंड आफ्टर दैट एक वाटरफॉल है नैनीताल में जो बहुत पॉपुलर है, तो वो वाटरफॉल विजिट करेंगे। सो आपसे मिलते हैं खुरपाताल लेक व्यू। सो अभी हम हैं खुरपाताल लेक व्यू में, लेक व्यू के पास। यहाँ से जो लेक दिखती है वो गाय के खुर की तरह, गाय के खुर के शेप में है, इसीलिए इसको खुरपाताल लेक बोलते हैं। बारिश काफी तेज हो गई है, देखिए आपको दिखाते हैं। काफी संभल के आना पड़ेगा आपको। ये है वो खुरपाताल। थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। जाने को आप और नीचे जा सकते हैं बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा, हम लोग यहीं से देख सकते हैं व्यू। व्यू तो यहीं से आएगा, यहाँ से आ भी रहे हैं। अब जो आईज देख सकती हैं वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता है, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। जो आसपास के उसके सराउंडिंग्स हैं और जो लेक है काफ़ी अच्छी लग रही है। सो बारिश बहुत तेज है, छाता निकालना पड़ा हम लोगों को। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा जो यहाँ का फेमस एक वाटरफॉल है वो। चलिए चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सरिता ताल। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमको वो वाटर एक्टिविटीज़ भी होती होंगी, बट अभी बारिश में वाटर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। और यहाँ पे कुछ फूड जॉइंट्स हैं, अगर आपको कुछ खाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये भी नेचुरल ताल है, यहाँ पे जितने भी ताल हैं वो सारे ही नेचुरल हैं, बट यहाँ पे इसकी क्योंकि बाउंड्री कर दी है तो थोड़ा सा आपको आर्टिफिशियल लगेगा, बट इसमें भी जो पानी आता है वो ज़मीन के नीचे से ही आता है। सो ये भी हम यहाँ का एक नेचुरल ताल ही है। हाँ, जॉर्बिंग वगैरह भी होती है, बट अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो करवा नहीं रहे, बट जब बारिश नहीं होती होगी तो ये काफ़ी अच्छा दिखता होगा, काफ़ी अच्छा लगता होगा। जिप लाइनिंग, पानी के ऊपर जिप लाइनिंग भी करवाते हैं ये लोग, सो काफ़ी अच्छा है वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए। सो ये एंट्रेंस है वाटर पार्क का, और वाटर पार्क की जो टिकट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये सामने कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, सो अगर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और ये वो वाटरफॉल है जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट इज़ वुडलैंड वाटरफॉल। सो चलिए अब हम अंदर चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड इट। टिकट देख लीजिए भैया, सामने आप देख सकते हैं क्या स्पीड से पानी आ रहा है, एकदम मस्त। थोड़ा और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप लोग अगर कुछ, आपको अगर पेड़ पौधों के बारे में जानने में रुचि है तो यहाँ पे जो पहाड़ों में पेड़ पौधे होते हैं तो एक बोटैनिकल गार्डन टाइप बना रखे हैं, तो आप
वो भी पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। यहाँ से वो वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल यहाँ से शुरू होता है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा, बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है। माइट बी पॉसिबल बारिश हो रही है इस वजह से, बट नॉर्मल डेज में भी मैंने जो सुना है वो यही कि एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है तो अच्छा पानी आता है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत इंजॉय करेंगे आप, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ये टॉप स्पॉट था जो भी आप लोगों ने देखा, उसके नीचे एक लेवल डाउन आएंगे तो वहाँ के भी, वहाँ का स्पॉट आपको दिखा देता हूँ। तो पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, बहुत तेज आवाज़ है तो आप लोगों को हो सकता है कि अब मेरी आवाज़ आ भी ना रही हूँ, बट बहुत अच्छा वाटरफॉल है, इंजॉय। सो नॉर्मली ये जो नैनीताल के 11 पॉइंट्स हैं घूमने के लिए, ये 4-5 घंटे में कवर हो जाते हैं एक दिन के अंदर। अगर आप धीरे धीरे भी ज़्यादा एक्सप्लोर भी करेंगे तो भी 4-5 घंटे मैक्सिमम लगते हैं और ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसे टिफिन टॉप जाने का डिसाइड करते हैं और टिफिन टॉप के लिए आपको हॉर्स राइड करना पड़ेगा, तो हॉर्स राइडिंग के लिए फिर आपको 1.5 घंटे वो एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आप एक दिन में ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। जब आप वाटरफॉल से नीचे आएंगे तो आपको एक मनसा देवी का मंदिर मिलेगा ये देखने के लिए, बारिश की वजह से भीड़ नहीं है बट ये मंदिर है। और इसके बाद फिर हम लोग अब वापस ऊपर चलेंगे और यहाँ से आपको खुरपा ताल जो है वो और अच्छा दिखाई देगा। यहाँ से देखिए, ये खुरपा ताल है जो भी हमने ऊपर से देखा था, नीचे से कुछ ये इस तरीके से दिखाई दे रहा, पूरा व्यू नहीं आ रहा बट हाँ, बट ये भी काफी अच्छा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल पाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रूट्स एंड डेस्टिनेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।